वेलकम टू शरदवी मोरे इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। द स्टूडेंट टुडे वी हैव टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम सेट 3 एंड दिस इज एन एक्टिविटी। ये क्या है? एक एक्टिविटी है। लेट्स सी द एक्टिविटी, व्हाट इज गिवन इन इट। रुपीज वन थाउजेंड इज इन्वेस्टेड at 10% simple interest. Okay, what is given in this activity? Rupees 1000 is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year if the total interest amount is in AP. If this is in AP, then find interest amount after the 20 year. For this, complete the following activity. What is given here? Okay, 1000 is invested, means principal amount is 1000, and at 10% simple interest, means rate of interest is 10%, and we have to check out at end of every year that interest obtained every year is in AP or not in AP. कि हर एक साल का क्या करना है, हम लोगों को interest check out करना है, जो first year का क्या था interest, फिर second year, third year, fourth year, जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट आर इन एपी और नॉट इन एपी, कि जो वो इंटरेस्ट के अमाउंट है वो एपी में है या नहीं है, ये हम लोगों को चेकआउट करना है। एंड देन फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर द 20 ईयर। तो इसके बाद में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये क्या है, पहले कि वो एपी में है या नहीं है, क्या चीज़ एपी में है या नहीं, इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको एवरी ईयर। ओके, एंड देन क्या चेक करना है कि यस क्या होगा इंटरेस्ट आफ्टर द 20 ईयर, 20 साल के बाद उसका इंटरेस्ट क्या होगा। ओके, तो नाउ सी द यस इट्स सॉल्यूशन। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ यस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। फिर उसके बाद देखो ये सीयर, यस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, यस पी, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू एन, एन इज इक्वल्स टू यस टाइम पीरियड, कि कितने साल के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो हियर यस पी इज इक्वल्स टू 1000, पी की प्लेस पे 1000 प्लेस किया है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 रखा है, और एन की जगह 1/100। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। नाउ यस 20 ऑफ द 1000 विल गेट कैंसिल बाय द 20 ऑफ द यस 100। तो नाउ इन डिनोमिनेटर यस 1 विल लेफ्ट, और इन द न्यूमरेटर यस फ्रॉम द 1000 10 विल लेफ्ट एंड 10, तो 10 जा 100, तो यस इन फर्स्ट ब्रैकेट 100 विल कम। इन द सेकेंड वन, अब सेकेंड वन में देखो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो नाउ यस प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम, प्रिंसिपल इज 1000 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 10, 10 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2, नाउ यस दिस इज द यस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर द 2 ईयर, तो दैट्स वाई हियर 1 इज रिप्लेस बाई 2/100। तो अगेन 20 ऑफ द यस डिनोमिनेटर्स 20 गेट कैंसल, तो नाउ 10 इंटू 10 इंटू 2 विल रिमेन इन द न्यूमरेटर, 10 जा 100, 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 200, तो हियर वी विल गेट द 200। ओके, नाउ लेट्स सी द इट्स सॉल्यूशन। ओके, सबको समझ में आ गया होगा, अब ये बॉक्स प्रिपेयर करना है और हम लोगों को इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना। ओके, तो देखो अभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14, ओके, नाउ यस एक्टिविटी इट्स सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन ध्यान से सभी स्टूडेंट, कि कैसे क्या करना है हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल यस यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो नाउ हियर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100।
तो दिस इज द फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला है। नाउ ये फिर इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर वन ईयर, आफ्टर वन ईयर। तो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, नाउ ये प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000, यार यू कैन राइट डाउन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1000 एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10 PCPA, मतलब 10% पर एनएम। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, अरे सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 इंटू 1/100। नाउ दिस जीरो जीरो गेट कैंसल, दिस जीरो जीरो गेट कैंसल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, यस 10 एंड हियर 10 वन जा 10 अपॉन 1, तो 1 गेट कैंसल। तो नाउ यस हियर 10 जा 100, तो नाउ इन दिस फर्स्ट बॉक्स द 100 विल कम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ओके तो क्या हो जाएगा, यस 1000 इंटू 10 इंटू 2, नाउ यस दिस टाइम पीरियड इज नाउ 2 ईयर अपॉन 100, अगेन 00 गेट कैंसल। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ओके 10 जा 100, 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 200, ओके क्लियर। नाउ यस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा, तो यस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम पीरियड 3 ईयर्स अपॉन 100, तो दिस 20 विल गेट कैंसल। नाउ 10 इंटू 10 इंटू 3, तो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ 10 जा 100, 100 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 300, ओके तो दिस बिकम 300। तो नाउ यू सी हियर द सिंपल इंटरेस्ट आर इंक्रीजिंग बाय 100। अब देखो यहाँ पे सीरियली क्या हो रहा है, यस जो सिंपल इंटरेस्ट है यस इंक्रीज हो रहा है, यस 100 100 100 करके, ओके तो अब देखो यस हियर, नाउ यस अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर विल बी, ओके इसी के ये क्या है, अगर जैसे हम लोग फाइंड आउट किए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का, अगर ऐसे हम लोग क्या है फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर का फाइंड आउट करेंगे, तो हियर वी विल गेट द 400 फॉर द 4th ईयर। नाउ यस अब इसके बाद क्या है, यस ब्रैकेट है 500 फॉर द 5th ईयर एंड 600 आफ्टर द 6th ईयर। तो ये दोनों बॉक्सेस में क्या फिट करना है, 500 600 रिस्पेक्टिवली, ओके। नाउ यस व्हेन यू ऑब्जर्व द इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर ईच ईयर, यस यू विल फाइंड दैट इंटरेस्ट आर इन एपी, बिकॉज यस फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज 100 एंड नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज द 200 एंड द नेक्स्ट ईयर यस इट इज 300 400 500 एंड 600, ओके तो फ्रॉम दिस द इंटरेस्ट आर इन एपी, ओके इंटरेस्ट जो है वो क्या है एपी में है। फ्रॉम दिस, ओके फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव ऑब्टेन, d इज इक्वल्स टू 100 बिकॉज डिफरेंस इज द 100, तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा 100 आएगा एंड कॉमा a मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू, तो a इज इक्वल्स टू 100, तो इसमें क्या है यस स्टार्टिंग का वैल्यू भी क्या है 100 है और क्या है d की वैल्यू भी 100 है, ओके मीन्स कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 100। नाउ यस वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट आफ्टर द 20 ईयर, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, तो नाउ यस वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ TN टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट आफ्टर द 20 ईयर, तो TN इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट अबाउट 20 ईयर, तो देयरफॉर यस n विल बी रिप्लेस्ड बाय द 20, T20 इज इक्वल्स टू, नाउ a वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, 100 प्लस ये सी 20 माइनस 1 इंटू 100, तो दिस इक्वल्स टू
100 plus, now yes, here 20 minus 1 is equals to 19, 19 into 100, so this is equals to 100 plus, yes, here, you know, 19 into 100 is equals to 1900, so this is equals to 2000, means 2000. Okay, so yes, so what will be the interest after 20 years? The interest will be the 2000. Interest kitna hoga? 2000 hoga. Yes, 20 year ke baad. So now yes, write down the answer. Okay, this is the activity. That's why you have to draw the boxes wherever the box is given and then fill the answer. Amount of simple interest after 20 years is equals to dash. ये क्या हो जाएगा, यहाँ रुपीस पुट कर दो तो yes 2000. It's clear now. Okay, now yes, we have completed the practice set, problem set of the three completely. And these questions you have to practice because, yes, they are higher thinking skill questions, hard questions. So, ये questions है, last के वो क्या है, hard questions है. So, here you have to practice 2-3 times, then you will understand properly. Okay, student, if you have any doubt in this question, ask to me, then yes, I will start the science. Yes, student, is anybody having any doubt? किसी को इसमें doubts है क्या? Yes, tell me yes or no. Is anybody having any doubts in this question? Okay, understood. Okay, yes, now yes, I am ending the maths one lecture. Now yes, I will start the science 2 lecture.